हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आप सभी को पता है कि किस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हमारे इस चैनल पे आते रहते हैं, और ऑफ लेट जो भी बात हमने की है इस चैनल पर, उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। आपको याद होगा कि कुछ 2000 के आसपास हमने HDFC AMC पर बात की थी, उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला। ऑलमोस्ट 25% 26% का रिटर्न उसमें मिल चुका है लोगों को। उसके अलावा हमने ACC पे बात की, ACC भी बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न मिला। इसी तरह के काफ़ी सारे आइडियाज़ थे। अदानी एंटरप्राइजेज़ पे हमने बात की थी, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है लोगों को। और अदानी एंटरप्राइजेज़ आज का भी टॉपिक है, बिकॉज़ अदानी एंटरप्राइजेज़ में एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न इमर्ज होके आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। बट इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज़ आप वीडियोज़ तो देखते हैं बट आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसा क्या डिस्कस करने वाले हैं अदानी एंटरप्राइजेज़ के बारे में, और हमने क्या पहले भी डिस्कस किया था और कहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, वो सब बातें हम करेंगे। अगर आप देख सकते हैं, ये डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है, और डेली के चार्ट पर आप सभी ने देखा होगा कि इसमें जो सपोर्ट लेवल मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, इसके पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 2400 रुपये। और आप देखिए, ये जो है लेवल, ये 2400 रुपये पर इसने एक ये हैमर बनाया है, और हैमर बनाकर ये ऊपर चलना शुरू हुआ है। तो इंटरेस्टिंग क्या है कि आप कभी भी अगर कोई चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो 2400 का जो सपोर्ट था, वहाँ पर ही एक सपोर्ट लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर चला है। और अभी क्या करें, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो इसमें एक और पैटर्न इमर्ज हुआ है जिसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और इसमें जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट अभी आया ही है, ऑलमोस्ट 2580 के आसपास ये ब्रेकआउट दिखेगा, और वहाँ पर अगर ये सस्टेन कर लेता है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इसका नेक्स्ट पड़ाव जो देखने को मिल रहा है वो 2700 2725 रुपये के आसपास का इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाएं? स्टॉप लॉस मैं अभी भी वही कहूँगा कि अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा है तो आपको इसमें जो स्टॉप लॉस बनाना होगा वो 2420 के आसपास बनाना होगा। अब अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त 2450 का स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। 2450 क्या है? इसका 200 डेमा है, तो 2450 एक बहुत ही बेहतरीन एक इसका लेवल हो जाता है, और बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू है, आपको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बनाया है, तो 2490 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो बहुत ही अच्छे से इसमें जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आप ज़रूर इसको पॉज करके लिख लीजिएगा लेवल्स, बिकॉज़ होता क्या है, आप स्टॉप लॉस वाले जो लेवल्स हैं वो बहुत जल्दबाजी में देखते हैं और टारगेट आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आज के मार्केट में। जिस तरह का मार्केट चल रहा है, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। मैं हर बार आपको वीडियो बता रहा हूँ कि बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। हालांकि हमने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया था, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने PNB के बारे में बताया था। PNB जबकि बैंकिंग इंडेक्स पूरा नीचे है, बैंकिंग सल्क कर रहा है, बट उसी के ऑपोजिट PNB में मैंने बोला था कि PNB में अच्छी खासी लेवल्स दिखने देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो 100 रुपये के आसपास PNB देखने को मिल सकता है। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड था, और आपको मैंने हर बार बताया है कि जो भी एक सेक्टर है, सेक्टर रोटेशन हर बार होता है। जब कोई भी बात नहीं कर रहा था IT के बारे में, तब हम बोल रहे थे IT लीजिए, IT को देख सकते हैं, IT देख सकते हैं, और IT में अच्छा खासा रिटर्न मिला भी लोगों को। अभी जैसे बैंकिंग में अभी कुछ क्योंकि निम्स वगैरह सब कुछ पीक आउट हो चुके हैं तो थोड़ा सा नीचे रहेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बैंकिंग को कोई बीट नहीं कर सकता। बैंकिंग एक सेक्टर ऐसा है जो कि रोटेट होगा। इसके अलावा हमने बात की थी बहुत ही अच्छे शेयर्स के बारे में, डॉक्टर रेड्डीज़ वगैरह के बारे में, फार्मा स्टॉक्स के बारे में, और फार्मा भी काफ़ी अच्छा सेक्टर चल रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं, ये सेक्टर रोटेशन होते रहते हैं, और इसमें घबराना नहीं है कि अच्छा कि आप घबरा के पोजीशन लेना छोड़ दें, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आप शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इसी तरह के आइडियाज़ आगे भी देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू गिव मी अ थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।